हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी रेडीमेड गले, जो इस तरीके से रेडीमेड गले पहले से ही बने हुए आते हैं, कढ़ाई हुई होती है, उसको हम बुकरम से कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस गले को हम बुकरम से कैसे बना सकते हैं। इसको मैंने आपको बिना बुकरम के भी बनाना बताया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बुकरम से बनाने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारे गले पर और भी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, उनका नाम आई थिंक गुलफीशन अली है, आई होप कि मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसलिए आई एम विद दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पर इस तरीके से पहले अपने ब्रॉडनेस और लेंथ के निशान लगाएंगे। तो इसकी ब्रॉडनेस है 6 इंचेस, और इसकी लंबाई हमें लेनी है 7 इंच। तैयार। तो सबसे पहले इसकी जो गले की शेप है, हम इस तरीके से इस पर पूरा ड्रॉ कर लेंगे। आप हल्का हल्का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस है तो हमें यहाँ पर भी स्पेस रखना है ताकि वो ठीक लगे देखने में। तो ये हमारा तैयार गला आएगा, और इसको आपको बिल्कुल इसी शेप में बनाना है। अगर ये हमारा राउंड शेप है, अगर आपका ये स्वीट हार्ट शेप है, स्क्वायर शेप है, तो आपको उसी शेप में इसे ड्रॉ करना है। और अब हम इसके मार्जिन लेते हुए थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसी लाइन को इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा अंदर। और अब हम ये बाहर वाली लाइन को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आपको इसकी कटिंग एकदम ध्यान से करनी है, अगर आप इसकी कटिंग गलत कर देंगे तो आपको ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठेगा, और ये जो मार्जिन एकदम बराबर होना चाहिए। हमने अपने गले की कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे अपने बुकरम पर कटिंग करेंगे। ये आप इस तरीके से बुकरम ले लीजिए और इसको बीच में से फोल्ड करना है आपको, और ये हमारा सूट इस तरीके से फोल्ड है यहाँ से, और इसको इसके नीचे रखिए और जो भी आपकी शेप है इस पर रखकर ड्रॉ कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए इसी तरीके से आपको ये ड्रॉ कर लेना है, और देन हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने गला कट कर लिया है। अब इसको अपने कपड़े पे चिपकाएंगे, और अगर आप बुकरम यूज कर रहे हैं तो इसको सिलाई से लगा। अब हमें अपने गले का इस तरीके से सेंटर करना है, इसको बीच में से फोल्ड करके इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये हमें इसका सेंटर मिल गया। अब इसको हम अपने सूट के गले पर लगाएंगे। ये इस तरीके से हमें पूरा ये यहाँ पर सिल देना है। अगर ये आपका इस तरीके से फिट नहीं आ रहा है
तो इसको आप और ज़्यादा कट दे सकते हैं, लेकिन ये कट इतना ही दीजिए कि आपका बुकरम तक, आपकी बुकरम तक ना कट जाए कपड़ा। अब इस तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है हमारे, इसमें हम इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। और यहाँ पर हम कट्स लगा देंगे इस तरीके से। हमें कट्स इतने लगाने हैं कि हमारी सिलाई ना खुले। और अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आपको इसको बहुत आराम से स्टिच करना है, क्योंकि ये जो कढ़ाई है आपको इस तरीके से अपनी कढ़ाई के बिल्कुल पास पास में इस तरीके से आपको सिलते हुए आना है, और ये आपका बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। अब हम इसको पलटेंगे दूसरी तरफ, अंदर की तरफ, तो ये इस तरीके से आएगा कुछ, और ये आपको अंदर कर देना है पूरा। ये देखिए हमारा कितना फिनिशिंग से आ गया है, और हमने बुकरम से अपना गला बना लिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक टॉप सिलाई लगाएंगे पास में बिल्कुल गले के, ताकि ये बुकरम अंदर की तरफ बैठ जाए। और अब सिलाई का टाका बड़ा करके मैं यहाँ पर, ताकि ये इस तरीके से उठ रहा है, यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी, ताकि हम यहाँ पर बाद में तुरपाई कर सकें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपनी रेडीमेड नेकलाइन, वो भी बुकरम के साथ हमने बना ली है। देखिए आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं पीछे से भी, और ये कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। आप इस तरीके से किसी भी अपने रेडीमेड सूट पर गला बना सकते हैं। ये बिल्कुल आपको एक रेडीमेड लुक देगा। देखिए कितने फिनिशिंग से आया है हमारा पूरा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा, उसको भी आप क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोज़ आपके पास हमेशा सबसे पहले नोटिफाई हो जाएँ। Thank you for watching. Love you. Bye.